मैं मलिक साले मोहम्मद, एडवोकेट मेंबर रावलपिंडी बार एसोसिएशन, आज आपको इंतहाई अहम और एक चौंका देने वाली जो खबर है उससे आगाह करना चाहता हूं, और वो पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत बड़ी खबर है। और आला अदलिया की जानब से एक ऐसा इकदाम किया गया है कि जिससे इंसाफ का उसूल तेज तर होगा, क्योंकि जब से हमारी आलमी दर्जा बंदी में हमारी अदलिया का 128वां नंबर आया है, उस दिन से लेकर मैं इसी इंतजार में था कि आलिया अदलिया वो क्या इकदाम उठाएगी कि जिससे पाकिस्तान के अवाम को इंसाफ जल्द मुयसर आएगा, इंसाफ सस्ता मुयसर आएगा। और ये जो नोटिफिकेशन है ये पाकिस्तान के अवाम के लिए, आपके लिए बहुत बड़ी एक खबर है, एक ब्रेकिंग न्यूज है आपके लिए, ताकि आला अदलिया ने आपकी आवाज सुन ली है और उन्होंने ये फैसला किया है कि हम अब पाकिस्तान के अवाम को जल्द इंसाफ देंगे। और ये नोटिफिकेशन है लाहौर हाईकोर्ट लाहौर की जानिब से मोरखा 22 जनवरी 2022 को जारी किया गया है कि अब जो आला अदलिया के जो जजिस साहिबान है वो बकायदा ऑफिशियली तौर पर उनकी बर्थडे सेलिब्रेशन की जाएंगी, और इसके अंदर जो डिप्टी रजिस्ट्रार फूड एंड बेवरेजेस हैं उनको भी ये इतला की गई है कि आपने जजिस साहिबान की जो बर्थडे है उसको बकायदा ऑफिशियली आपने सेलिब्रेट करना है। उनको वहां पर हेल्दी फूड चाहिए, हेल्दी उनको केक चाहिए जो क्वालिटी फूड हो, ताकि ये जो जजिस साहिबान है इंसाफ का आला काम कर रहे हैं, ताकि इनकी सेहत पर इनकी तबाही पर ग्रह ना गुजरे। और ये बहुत अच्छा फैसला है, क्योंकि बर्थडे सेलिब्रेशन करना इन जजेस साहिबान की तरफ से ये बहुत जरूरी था, क्योंकि जब ये बर्थडे सेलिब्रेशन होगी इनकी, ये खुश होंगे और ये आपको जल्द इंसाफ देंगे ये। और इसलिए मैं ये चाहता हूं ये जो नोटिफिकेशन है ये बाकी जो इदारे हैं इसकी भी कॉपी करें, हमारी इंतजामिया के जो अफसरान हैं वो भी बर्थडे सेलिब्रेशन करें, हमारे जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं वो भी बर्थडे सेलिब्रेशन करें, पूरे मुल्क के जो इदारे हैं वो बर्थडे सेलिब्रेशन करें, इससे वो बहुत खुश होंगे। और जो आगे भी जो ये बहुत ही संजीदा फैसला है, और इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारी आला अदलिया के जो जजेस साहिबान हैं वो कितने फिक्रमंद हैं इंसाफ देने के लिए। अब मैं पाकिस्तानी अवाम से भी ये कहता हूं।